कार्ड बन के आएगा मेरे नाम का, तो देन विल एक्चुअली गेट टू नो। अच्छा, इस्लामाबाद वाली गाड़ियों की फाइल्स रिटर्न नहीं होती, यू डोंट गेट द फाइल्स फ्रॉम इस्लामाबाद, उसी में दे जस्ट गिव यू द कार्ड। ओके, ऑन सीन, ऑन सीन। पीए है इसके ऊपर भी, एआरबी डाला है ना बॉयज ने, पानी है, एंड देन वी सेट कोर्स फॉर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। शानी भाई कैसा लग रहा है आपको? प्लीज, पेशावर इज लीकिंग ब्रो, इट्स ऑल लीकिंग, पेशावर इज लीकिंग ब्रो, यू आर लीकिंग ब्रो ऑलरेडी। सो एनीवे, अब इसकी डायग्नोसिस करते हुए फिर अभी आगे चलते हैं। डायग्नोस करते हुए पहुंचे ECM तक। ECM के दो स्क्रूज भी मिसिंग थे कवर के, टॉप कवर के। एक IC इसका जला हुआ भी है, इसको हल करते हैं, रिपेयर कर। इसको वाइस पे बांध के अपने कंप्रेसर पे लगा देता है। और ये पिस्टन भी जाम थे, वरना ये जो ना इसे घूम घूम। कौन गिरा? शानी भाई की गाड़ी की पहली टेस्ट ड्राइव, एयर कंडीशनिंग ऑन कर दिया है। चुप नहीं हो जाना अभी, और ये वो भी काम कर रहे हैं, कटऑफ नहीं कर रहा। मेंटेनेंस एंटेनेंस करेंगे ना तो भी उससे भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि यकीन है मुझे कि अंदर से भी क्लॉक हुई थी। इंजन मेंटेनेंस करके फिर निकलते हैं उधर भाई। मीनवाइल उधर भी इसकी एयरबैग की चेक लाइट वगैरह देख लो। नहीं नहीं, कौन गिरा? कौन कौन? संभाल ले भाई डीजल पंप का। कौन कौन है अंदर? तुमने ये कभी गलत बातें कर रहे हो तुम यार। इस धूप को बंद करो ऊपर से, टेम्परेचर भी नहीं आया। खैर भाई नहीं चल रहा था? नहीं,
इन्होंने वो करा है अपना डीजल को एडवांस किया ना, पहली दफा था बड़ा टेम्परेचर रात में था, इन्होंने पहली ग्रीन चेक टेम्परेचर नहीं आ रहा। शानी भाई की अपडेट, शानी सर्फ डैशबोर्ड इज ऑफ एयर कंडीशनिंग के की सर्विसिंग के लिए और डैशबोर्ड को रिपेयर पे भी भेजने हैं, अभी वो अलग भेजते हैं थोड़ी सी देर में। बेटा के अंदर से सफाई भी कर ले सारी पीछे से, और कोई भी देखिए अगर फालतू, ये तो उसका ड्रेन है एसी का ना, इस ड्रेन के अंदर भी तार वार मार के देख लो प्रॉपरली खुला हुआ है कि नहीं, चोकिंग वोकिंग का तो कोई लांजा नहीं है, क्योंकि जो इतना इधर पानी जमा हो रहा था मुझे शक है कि वो ड्रेन से आ रहा होगा पानी, इसलिए देख लेना इसको लाजमी। हाँ बाकी अभी डोर कार्ड के ऊपर सिर्फ डोर कार्ड रेडी हुए हैं, बाकी अभी सामान रेडी हो रहा है, चलते हैं उसके ऊपर अभी। और अभी हीटर कोर नहीं निकाली ना अभी, हीटर कोयल लगा हुआ अंदर, ये रहा हीटर कोयल और कूलिंग कोयल इसका, ये जहर भाई के हाथ में रहा। कूलिंग कोयल बाहर साफ है, लुक्स नाइस, थोड़े से फिन्स डैमेज्ड है, वो फिन्स रिपेयर कर रहा है, रिपेयर हाथ के हाथ में। शानी का शानी सर्फ शिफ्टर है, शिफ्टर में खासी प्ले थी, अभी प्ले अच्छा अभी तो लगा ही नहीं है, इसमें ऊपर तो प्ले नहीं है ना, ये वाली प्ले नीचे इस शिफ्टर के नीचे वाले बुशेस भी देख बेटा, ये वाली खुला हुआ भी है नहीं, खुला हुआ भी नहीं है, जैसे आपने रिपेयर इस वाले बुश को कर, इस ये वाला बुश बनवाया, इसको देखो ना इधर, ये एक और भी है ना जी, खोलो इसको, इसको बाहर, ये इसी से ही प्ले है, ये गाओ, हाँ ये वाली प्ले भी, ये वाली प्ले इसी बुश से, ये वाली प्ले पूरा खोलो इसको, ये वाला बुश भी इसका फौरी बनवाओ बच्चे, एक बार देखनी थी ना फात। अच्छा मेंटेनेंस हमने कर ली है, मेंटेनेंस करके हमने इसका ऑयल शॉयल चेंज कर दिया है, लेकिन ऑयल आई एम नॉट वेरी होपफुल कि अभी भी अपने कलर में होगा, क्योंकि इंजन में बहुत खराब है, तो अभी कल ऑयल डाला है लेकिन अभी से स्टार्टेड टू चेंज इट्स कलर। हालांकि अभी गाड़ी 1 किलोमीटर भी चली नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट हुई है गाड़ी इधर ही वर्कशॉप पे ही, और वो भी बेरली, शायद टोटल टाइम इसको 10 मिनट का पड़ा है, लेकिन देखो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू चेंज इट्स कलर। याद रखो भाइयों, डीजल इंजन ऑयल्स डू नॉट हैव टू बी ब्लैक, दे ब्लैक क्योंकि डीजल इंजन मेंटेनेंस रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा मांगते हैं पेट्रोल से, कार्बन बिल्डअप इसका ज़्यादा है, बस यही वजह है इसकी, इससे ज़्यादा इसकी और कोई वजह नहीं है, इसकी सिर्फ इसी वजह के तहत ऑयल काला हुआ था और हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया, लोगों ने जो है वो डन डील कर लिया कि हाँ भाई डीजल है तो ऑयल तो काला ही होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू, डीजल का ऑयल रिलेटिवली टेंस टू गेट काला रिलेटिवली जल्दी, लेकिन व्हेन इट स्टार्ट्स टू टर्न काला, अंडरस्टैंड दिस कि यू नीड टू चेंज ऑयल। हमारे पास डीजल इंजन को लेके और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि यार डीजल इंजन है थोड़ा बहुत तो बैक कंप्रेशन रहेगा ही, नॉट ट्रू, नहीं होगा, डीजल इंजन की मेंटेनेंस तरीके से होगी, नहीं होगा उसमें थोड़ा बहुत बैक कंप्रेशन। अच्छा हाजरीन, डे 2 टोयोटा सर्फ 1KZ वाला OBD फॉल्ट कोड 12 ECM रिपेयर किया, क्या खबर बनी उदयर भाई? ECM रिपेयर है भाई, उसकी ECM रिपेयर सही नहीं हुआ था, उसकी IC जो थी ना उसका प्रिंट भी जो है ना प्रिंट खराब हुआ था उसका काफ़ी, उसके बाद रिपेयर करवा के लगवाया फिर भी वही पोजीशन थी। अब इसका जो 12 का कोड जो है 12 का कोड जो बनता है इसका, वो एक TDC सेंटर के लाता ये लगा हुआ सामने, इसकी वजह से फिर 12 का कोड ही बनता है, ये क्रैंक शॉप भी कहलाता है, TDC सेंटर भी कहलाता है, सेल्फ के ऊपर होता है, TDC होता है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पिस्टन का आता है, जो इंजन का पिस्टन ऊपर जा रहे हैं ना, जो ऊपर जाके टॉप करता जहाँ पे, तो ये उसका है। इसकी भी हमारी ग्रिप बिल्कुल पहले तबाह थी, जो ग्रिप लगी हुई थी उसकी वाइस पुल आउट हुई हुई थी, अब हमारे वैर भाई जो हैं वो
इसकी ग्रिप चेंज कर रहे हैं और फिर आगे देखते हैं हाउ द फॉल्ट गोज़।